रही है। देखा आपने किस तरह से ये लोग इस शख्स को नंगा करके पीट रहे हैं। ये लोग इसे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं और पैसे ना देने पर पीड़ित का वीडियो वायरल कर दिया गया। अगर आप सुल्तानपुर के रहने वाले हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि सुल्तानपुर के सड़कों पर एक ऐसा गैंग घूम रहा है जो राह चलते लोगों को अपनी परेशानी बताकर चंगुल में फंसा लेता है और सुनसान जगह पर ले जाकर उनका वीडियो बना लेता है, जिसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए भोले भाले लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन इस बार इन ब्लैकमेलर्स के बयान उल्टे पड़ गए और पीड़ित ने इन जालसाजों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। ये मामला है बीते 14 जुलाई का, जब नगर कोतवाली के प्रयागीपुर के रहने वाले प्रिंस सिंह दोपहर 12:30 बजे किसी काम से शहर जा रहे थे। प्रिंस नगर के डाक खाने चौराहे पर पहुंचे ही थे कि उन्हें एक जानने वाली लड़की ने रोक लिया। प्रिंस के मुताबिक उस लड़की ने उन्हें अपनी परेशानी का हवाला देते हुए जल्द घर पहुंचाने की विनती की। प्रिंस को तरस आ गया और वो लड़की को लेकर सिरवारा रोड पर मौजूद उसके घर चले गए। घर के अंदर पहले से ही 3 लड़के और 1 लड़की मौजूद थी, जिन्होंने मिलकर जबरन प्रिंस के कपड़े उतरवा दिए। प्रिंस के मुताबिक उन लोगों ने इनकी चैन, अंगूठी और नकदी और मोबाइल सब कुछ ले लिया। इतना ही नहीं, उन बदमाशों ने प्रिंस को जमकर पीटा भी। इन जालसाजों ने प्रिंस के कपड़े उतरवा कर उन्हें लड़की के साथ बिठाया और फिर उनका एक शर्मनाक वीडियो भी बना लिया और इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए उन जालसाजों ने प्रिंस से मोटी रकम की डिमांड की। पैसों का इंतजाम करने के बहाने प्रिंस जैसे तैसे वहां से निकले और सीधे थाने पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने सारा मामला पुलिस के पास दर्ज करवाया। महिला जो है खुद परिचित की थी, उसके बाद जो है हमको बोले छोड़ने के लिए, साथ चलने के लिए सिवा रोड पे। मैं गया छोड़ने के लिए, उन्होंने कहा भैया पानी पी लीजिए। जैसे मैं अंदर गया, पहले से ही 3 व्यक्ति, 2 अज्ञात महिला वहाँ बैठी हुई थी। मुझको दरवाजा बंद करके मारा पीटा गया, मेरे कपड़े उतारे गए और मुझको वीडियो बनाया गया ब्लैकमेलिंग के लिए। मेरे पिताजी के फ़ोन करने के लिए कहा गया पैसे की डिमांड करने के लिए। उसके बाद मैं किसी तरह से वहाँ से भागा, मेरी चैन छीन ली गई, मोबाइल छीन लिया गया, पैसा कुछ तो छीन लिया, अंगूठी भी थी साथ में। मैं आके वहाँ से चौकी पर जो है आप जो है उसको प्रार्थना पत्र दिया। 18 तारीख को हमारा FIR दर्ज हुआ है, जिसके बाबत जो है कार्रवाई चल रही है। वीडियो जो है सामाजिक स्तर गिराने के लिए और पैसे की डिमांड के लिए और केस में सुलह करने के लिए जो है दबाव बनाने के लिए वो गैंग के द्वारा और कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा वीडियो वायरल किया गया। जालसाजों को जैसे ही पता चला कि प्रिंस ने मुकदमा दर्ज करा दिया है तो उन सब ने प्रिंस का जबरन बनाया हुआ आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिया ताकि दबाव बनाया जा सके। लेकिन प्रिंस के साथ उनका पूरा परिवार खड़ा हो गया और अब सभी लोग जालसाजों को सजा दिलवाना चाहते हैं। मेरे पति के साथ तो ये वो गए थे लिफ्ट के बहाने, उनकी कोई बैचमेट थी पुरानी, ये लॉक कर रहे थे, जब वो K9 में रहती थी तो उसी थ्रू मतलब जान पहचान थी इनकी। और वो आ रहे थे जुलाई मतलब 14 जुलाई को मार्केट में, कहीं वो मिल गई उनको चौराहे पे और वो लिफ्ट मांगने के बहाने से उनको अपने जहाँ पे उन लोग का अड्डा था वहाँ ले गई। और वहाँ पे जब जैसे पहुँचे एंट्रेंस पे, बोली भैया पानी पी लो, पानी पी लो, और दवा बनाने लगी थोड़ा सा, तो ये भी बोले चलो ठीक है। जैसे अंदर गई वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको खींच लिए और उनको ब्लैकमेलिंग करने लगे कि अपने कपड़े उपड़े उतरवा दिए और पापा के पास फ़ोन करवा करके बोले कि फ़ोन करके मतलब पैसे वैसे मंगवाने लगे। उसके बाद फिर जब ये ऐसा कुछ हो नहीं पाया, किसी तरह वो जान बचा के अपना भागे और उन लोग को पहले धमकी दे दिए थे किसी से कहना नहीं, कुछ भी नहीं कहना कि मतलब ये तो जान से मार मार देंगे और या तो फिर तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे ये वाला। वहीं पुलिस अधीक्षक की माने तो इस मामले में पुलिस ने पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब इस वीडियो को साक्ष्य के रूप में रख लिया गया है, जल्द ही इस गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में संबंधित पीड़ित के द्वारा जो है वह अभियोग पंजीकृत कराया गया है और विवेचना में जो वायरल वीडियो है उसको भी सम्मिलित किया जा रहा है। शीघ्र ही जो पूरी घटना है उसका सही अनावरण करते हुए जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।
मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच के नाम पर पुलिस करीब 1.5 महीने का वक्त गुजार चुकी है, लेकिन अब तक गुनहगार पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह ने अब तक दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन आज तारीख तक कोई भी शख्स बेइज्जती के डर से पुलिस के पास नहीं गया। लेकिन इस बार प्रिंस और उनका पूरा परिवार जालसाजों को सजा दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को बिल्कुल तैयार है। ये खबर हमारे संवाददाता अफजल खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक और देश लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।